बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मील प्लेटर। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल एंड इजी सी चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी, जो कि झटपट तैयार हो जाती है। चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 2 कप मैक्रोनी, 200 ग्राम बोनलेस चिकन, 3 टेबलस्पून कैचअप, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 अदद बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 अदद बारीक कटी हुई गाजर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लहसुन फाइन चॉप किया हुआ, 1 टेबलस्पून सिरका। अब हम मैक्रोनी बनाते हैं। अब एक पतीले में 2 लीटर पानी डाल देंगे, इसको बॉयल कर लेंगे। पानी बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी को हम 10 से 12 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। देखिए 10 से 12 मिनट हो गए और हमारी मैक्रोनी बॉईल हो गई है। अब हम इसको छान लेंगे। मैक्रोनी को मैंने छान लिए, अब इसमें 1/2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये स्टिकी ना हो। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, तो बाउल में चिकन ऐड कर देंगे, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, कुटी लाल मिर्च, जीरा, नमक, काली मिर्च। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। सबसे पहले 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गरम कर लेंगे। अब इसमें लहसुन शामिल कर देंगे। और इसको गोल्डन कर लेंगे। अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे मैरिनेट किया हुआ, तो मिक्स कर लेंगे। इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसका कलर जो है चेंज हो जाए। चिकन को मैंने हाई स्पीड पर 2 मिनट पकाया है। अब इसमें हम 4 टेबलस्पून पानी शामिल कर देंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। इसको ढक देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें गाजर डाल देंगे और शिमला मिर्च, इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर कैचअप शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बॉईल की हुई मैक्रोनी शामिल कर देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बहुत ही सिंपल और मज़े की चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी रेडी है। अब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।